दोस्तों, फ्राइडे 19 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी है और इस दिन पर मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपका पूरा साल जो है खुशियों भरा हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी मास्टर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको श्री कृष्ण की कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी, कुछ उपाय मैं शेयर करूँगी। जन्माष्टमी के दिन यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा चाहिए तो इस दिन उनकी पसंदीदा चीज़ों को अर्पित ज़रूर करें। इसमें मोरपंख से लेकर चांदी की बांसुरी तक शामिल है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को आपने मोरपंख और चांदी की बांसुरी अवश्य चढ़ाएं, इनसे भगवान की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, जन्माष्टमी पर गलती से भी ना करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पूजा का आपको फल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण उपासक व्रत रखते हैं और पूरे दिन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। भारत के सभी प्रांतों में कृष्ण मंदिरों की खास सजावट की जाती है। श्री कृष्ण अवतार के मौके पर हर जगह झांकियां सजाई जाती हैं। घर में भी भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कर उन्हें झूले में बिठाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन बहुत शुभ होता है और हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है विष्णु। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। आज के दिन प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान हैं। किसी भी गरीब का सम्मान या अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग जन्माष्टमी के व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज़ में बसते हैं और हर चीज़ उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। इससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है, व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन घर पर गाय या बछड़े की मूर्ति अवश्य लाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। जन्माष्टमी के दिन कन्याओं को बुलाकर खीर खिलाएं, ऐसा लगातार 5 शुक्रवार तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है और आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। पूजा के बाद इस बांसुरी को तिजोरी या पर्स में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है। दोस्तों, ये सभी बातें जो हैं, सारे उपाय जो हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हैं। जन्माष्टमी के दिन राधा गोविंद को 50 भोग लगाएं, कहते हैं ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन शाम को तुलसी पूजन करने का बड़ा महत्व है, कहते हैं कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपने पारिजात के फूल लाकर कृष्ण भगवान को अर्पित करना है और साथ में दक्षिणावर्ती शंख लेना है आपने।
उस शंख के अंदर आपने थोड़ा सा दूध डालना है और उस दूध से आपने जो है बाल गोपाल को नहलाना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब पूरी होंगी। कृष्ण भगवान की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी, पूरी साल आपके ऊपर कृपा बरसेगी कृष्ण भगवान की। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।